निकाय चुनावों के मद्देनजर जहां वार्ड टू वार्ड कैंपेनिंग का दौर चल रहा है, वहीं उम्मीदवारों की ओर से भी अपने अपने चुनावी कार्यालय भी खोले जा रहे हैं। वार्ड नंबर 16 से कांग्रेस उम्मीदवार रेखा ने अपना चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया। वहीं उनके साथ उनके पति धर्मपाल पप्पू भी उपस्थित रहे, जिसमें विशेष रूप से पठानकोट विधायक अमित विज सम्मिलित रहे। वहीं उनके साथ कांग्रेसी नेता पन्नालाल भाटिया भी उपस्थित रहे। कार्यालय के शुभ आरंभ समारोह में समर्थकों का भारी इकट्ठ भी देखने को मिला। विधायक अमित विज का हार पहनाकर सभी ने स्वागत किया। वहीं उन्हें यकीन भी दिलाया कि ये सीट कांग्रेस की झोली में ही जाएगी। विधायक अमित विज ने कहा कि लोगों का भरपूर समर्थन रेखा को मिल रहा है। वे उन्हें पूरी उम्मीद है कि ये सीट कांग्रेस के हक में होगी। वह नगर निगम में सत्ता भी कांग्रेस की ही स्थापित होगी। वहीं धर्मपाल पप्पू ने कहा कि वह विधायक अमित विज के धन्यवादी हैं। वह उनकी पत्नी रेखा को बतौर उम्मीदवार उन्होंने चुना, जिसके लिए वह आभार व्यक्त करते हैं। वह उन्होंने कहा कि हम भी ये सीट जीतकर विधायक की झोली में डालेंगे। वो वार्ड नंबर 16 तो धर्मपाल पप्पू एमएलए साहब जी का शुक्रिया अदा करना, जिन्होंने मैंने सीट दी। 16 नंबर वार्ड की मेरी धर्म पत्नी श्री रेखा जी इतों चुनाव लड़ रही है। अब पूरी पब्लिक, जिस तरह पब्लिक ने आ के सू दसिया पूरे हजूम के पता लगा, तो यह लगता कि अं बड़े आराम सीट जीत के एमएलए साहब जी झोली के पा देंगे। सीवरेज, पानी, सड़कों की समस्या, एमएलए साहब ने शहर के बहुत भारी काम कर, किसी भी एमएलए ने अभी तक यह काम नहीं कराए जो एमएलए साहब ने साढ़े कोल आते। गलियां सीवरेज के काम सारे चल रहे हैं, जे साडे वार्ड भी चल रहे हैं, जिते कि कमी हो पेशी होगी वो सारे मैं पूरे करवाऊंगा। 24 घंटे मैं लोगों की सेवा के रात दिन हाजिर हाँ, जो चाहे कोई मैं बुला सकता। मैं मेरा सब तो पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का, सुनील जाखड़ साहब का बहुत दिलों थैंक्स करना कि उन्होंने वार्ड नंबर 16 धर्मपाल पप्पू जी जो साढ़े सराफा बाजार के प्रधान भी ने, बहुत ही पुरानी और बड़ी ही अच्छी फैमिली है जी, सोशल सर्विस करती रही है। साढ़े आशा पूर्णी मंदिर भी जुड़े देने, उन्होंने कैशियर ने उन्होंने परिवार चो ही रेखा जी ने उन्होंने धर्म पत्नी जी ने टिकट दिती है। यह परिवार दिलों लोगों की सेवा करता है जी, तो हर जोड़े मजबूर ने जोड़े नीडी ने उन्होंने पूरी तरह अपलिफ्ट करता, उन्होंने दुख सुख से साथ दिता। अज उन्होंने ऑफिस की ओपनिंग की है, मैं लगता कि जो मैं बाहर बोल रहा ऑलमोस्ट सारा वार्ड ही इतने आए का सी, तो मैं वार्ड नंबर 16 के सारे वासियों को यही रिक्वेस्ट करा कि तुम 14 तरीक न काइंडली प्लीज रेखा जी को, धर्मपाल पप्पू जी की धर्म पत्नी को, जोड़े वार्ड नंबर 16 तो कांग्रेस की टिकट से खड़े ने, उन्होंने जरूर अपना आशीर्वाद दो, ताकि असी मिल के सारे लोग सरकार की मदद नाल, मैं भी नाल लग के वार्ड की जिड़ी भी होर मुसीबत है, चाहे सीवरेज है, पानी है, सेफ्टी है, होर बड़ी चीज़ें, सड़क है, ड्रेनेज सिस्टम है, नाले है, क्लीनलीनेस है, वो असी मिल के लोगों की दूर कर सकी है। ते नाल जो लोगों की अवेलेबिलिटी जो उन्होंने चाहिए, चाहे वेलफेयर स्कीम है, मिल के अपने वार्ड में शहर का नंबर 1 का वार्ड बना सके। देखो मैं बस हर जगह ही कह रहा हूं, हूं अनर्थ हो रहा साहब, जो एक चीज किसी हस्ते बनाई जाए, वैसे यह स्टेट सब्जेक्ट है, जो इन्होंने फॉर्म बिल बनाए ने वो स्टेट सब्जेक्ट है, उन्होंने तोड़ मरोड़ के सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने बिल लैन दे। चलो ताड़े को गलती होगी, मैंने लगता जिद छड़नी चाहिए है, जिद छड़ के जेड़े साडे किसान भैन भरा बुजुर्ग मावा उत्थे जेड़े छोटे छोटे बच्चे बैठे देने, उन्होंने देखते हुए फॉर्म बिल रिपील करके उन्होंने दोबारा तो डिस्कशन करके इन्हों लियाना चाहिए। तो मैं लोगों को यही कहांगा कि पंजाब की यह जरूरत है, पंजाब के भविष्य वास्ते किसान बिल च जो किसान उत्थे बैठ के अपना जीवन त्याग रहे ने, अपना शातना दे रहे ने, वो साडे वास्ते दे रहे ने, ते ऐ लोकां दी आवाज़ मैनूं लगदा है कॉरपोरेशन दे इलैक्शन विच भी बन के जरूर उपर जाएगी, ताकि गवर्नमेंट नूं ते सारे देश नूं सारे विश्व नूं पता चले कि असी सारे लोग सारे किसान पूरे देश दे इस बिल दे खिलाफ हां, साडे बिल हित विच नहीं है, साडा एहदे विच नुकसान है। मैं इक वर्ड कहांगा, अनर्थ हो रहा है।